अच्छा, रूल फिफ्थ है, रीड ऑल ऑप्शंस इवन इन इजीएस्ट एमसीक्यू। ये कभी नहीं सोचना कि मुझे ये बहुत आसान क्वेश्चन लगा है तो मेरा आंसर श्योर है, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की सारी ऑप्शंस। कई बार क्या होता है, बेस्ट आंसर क्वेश्चन होता है, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको, आपने जल्दी से वो एक टिक कर दिया, लेकिन उसने उससे बेटर ऑप्शन उसमें रखी थी, उसकी जिसने पेपर सेट किया है, जिन्होंने सॉरी पेपर सेट किया है, क्वेश्चन सेट किया है, उनकी आपसे डीप नॉलेज है, उन्होंने उससे अच्छा आंसर बीच में रखा है। उस अच्छे आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सारी ऑप्शन एक बार हर हालत में रीड करनी चाहिए। तो दैट इज वाई यू हैव टू फाइंड मोस्ट करेक्ट और बेस्ट आंसर। यहाँ ऐसे हम 4-5 मार्क्स गवा लेते हैं अगर इसको अप्लाई नहीं करते। समटाइम्स स्टेम इज ईजी बट डिस्ट्रक्टर आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको लगता है, लेकिन उसने जो अंदर डिस्ट्रक्टर रॉन्ग आंसर है वो इतने कन्फ्यूजिंग, उसने मिसकंसेप्शन से आपकी जनरल नॉलेज से यूज किए हैं कि ये नॉलेज पड़ी होती है, वो उसको डाल दिया, लेकिन उससे एक बेटर नॉलेज थी उसका आंसर यहाँ रख दिया, तो आपने वो ढूंढा नहीं, आपने इसको टिक कर दिया, आप इजी के मामले में फंस गए। दैट इज वाई हर हालत में आपने पढ़ना है, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि आपने सारी ऑप्शन हर हालत में पढ़नी है। रीड ऑल ऑप्शन वाई सम टाइम द बेस्ट आंसर इन क्वेश्चन, ऑल ऑप्शन मे करेक्ट, ओके, थ्री ऑप्शन मे करेक्ट, कई बारी चार नहीं करेक्ट है तो तीन करेक्ट है, एक तो निकाल दी, फिर भी आप किसी एक को पकड़ सकते हो, कई बार दो करेक्ट होती हैं, उन दो में से बेस्ट निकालना है, तो दैट इज वाई यू हैव टू रीड ऑल ऑप्शंस। प्लीज इसको नोट करना ही करना है, मतलब इजी में जब क्वेश्चन आता है उसमें तेजी नहीं आपने दिखानी। ठीक,